Next question is question number 5. S and P are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equal angle RPS, so that triangle RPQ similar RPS. चलिए इसमें आपके पास फिगर नहीं है, तो फिगर जब नहीं है तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा. सिंपल है, आपको फिगर किस तरीके से बनाना है ध्यान से देखिएगा. इसने बोला कि एस पी आपके पास टू पॉइंट है दो साइड्स पे जो कि ट्राइंगल पी क्यू आर है. चलिए पी क्यू आर ये ब्लेंड कर लेते हैं. इसमें पी आर जो साइड है फर्स्ट साइड पी आर है तो उसमें तो एस है, कहीं ब्लेंड कर सकते हैं एस हो गया, और जो क्यू आर है उस पर टी है, तो इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा. बिकॉज टू पॉइंट है तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है. अब इसमें बोला है कि एंगल पी आर पी एस से इक्वल है, यानी ये जो एंगल है वो आर टी एस यानी इस वाले एंगल के इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आपको प्रूव ये करना है, चलिए फिर में आपको लिखना पड़ेगा एंगल पी इक्वल एंगल आर टी एस. ओके, बस यही गिरे हैं, बाकी दो साइड से वो हमने ड्रॉ कर दिया. ये आपके पास गिर हो गया 200 में आपको जो प्रूव करना है उसको लिखना पड़ेगा आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर पी एस. ओके, नाउ लास्ट हेडिंग इज प्रूफ. जो ट्राइंगल बार बार कराऊंगा आपसे, जो ट्राइंगल आपको प्रूव करने हो उन्हीं ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे. ठीक है, चलिए इन ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर पी एस. अभी इन दोनों को देखना फिगर में, तो आर पी क्यू कहां पर है, तो आर पी क्यू चलिए इसकी बात कर रहा है, आर पी एस कहां है, आर पी एस इसकी बात कर रहा है. तो एक बात क्लियर है आपके सामने कि दोनों में एक एंगल तो सेम है ही कम से कम, बिकॉज इस बड़े ट्राइंगल में छोटे ट्राइंगल में एक एंगल सेम मिल गया आपको, एंगल पी इक्वल एंगल टी आपको लिखना पड़ेगा. सिंपल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल है आपके पास छोटा ट्राइंगल, इसमें ये टी एंगल आर टी एस, और ये आपके पास एंगल पी, दोनों के दोनों क्या हो गए गिवन है, बस गिवन है, इसलिए समझ ले गया. अभी आपको प्रूव करने के लिए एक प्रॉपर्टी और लगानी पड़ेगी, चाहे साइड्स का रेशो हो चाहे कुछ भी हो जाए आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. चलिए बात कर लेते हैं हम आगे. अभी क्वेश्चन में दो पॉइंट दिए हुए थे, हमने ड्रॉ कर दिए और ट्राइंगल पी क्यू आर था वो भी लिख दिया, एक एंगल के मिलता वो भी लिख दिया. अब जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, आर पी क्यू को आर टी एस के साथ प्रूव करना है. तो एक बात क्लियर हो जाती है कि इस ट्राइंगल में बड़े वाले में और इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये आर कॉमन नहीं है क्या. ध्यान से देख लीजिए, इस पूरे ट्राइंगल में और इस छोटे वाले ट्राइंगल में दोनों में आर कॉमन है, तो आपको लिखना पड़ेगा कॉमन एंगल. ओके, सिंपल है. नाउ ट्राइंगल पी आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर पी एस, ये थोड़ा मैंने आपको बताई थी, जब दो एंगल इक्वल हो तब भी हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए ना. जब दो साइड्स के रेशो से सिमिलर हो सकता है ट्राइंगल, तो दो एंगल से नहीं हो सकता. अगर हम एक एंगल और दिखा दिए तो प्रोमिनेंट बन जाएगा. तो हैंस लूप इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड पार्ट है इसका, बिकॉज इसमें कई पार्ट आपको दे रखे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट करने वाला हूं, और जिस तरीके से मैं ऐसे करूंगा उसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन करने हैं. ओके, चलिए. इन फिगर एंटीट्यूड्स एडी एंड सीई ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी. उसने बोला इसके दो एंटीट्यूड हैं सीई एंड एडी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहे हैं पी पॉइंट पे, ट्राइंगल एबीसी है, आपको प्रूव करना है. चलिए देखें, फर्स्ट हेडिंग इज गिवन, गिवन में आपको लिखना पड़ेगा जो जो एंगल आपको गिवन है. जब एल्टीट्यूड है ध्यान दीजिएगा, एल्टीट्यूड है तो ये जो एंगल होगा और ये जो होगा ये 90 डिग्री के एंगल होंगे, 90
एंगल ए ई पी इक्वल 90, एंगल ए डी बी इक्वल 90। ओके, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम पड़ रही है? ओके चलिए, टू सो आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ करना ये इन ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी। देखिए एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी ये क्वेश्चन होते हैं प्रूव करने वाले, तो बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको प्रूव करना किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रिपल एस से भी कर सकते हैं, और ट्रिपल ए से भी कर सकते हैं, डबल एस से भी कर सकते हैं, डबल ए से भी कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉपर्टी याद हुए, जो भी आपको दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए लास्ट हेडिंग, अभी मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे कि जो ट्राइंगल प्रूव करनी हो उन्हीं ट्राइंगल का आप यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ओके, इन दोनों ट्राइंगल देखेंगे यहां पर कहां पर एवर्ज करेंगे, ए ई पी ए ई पी। चलिए ठीक है, ये ट्राइंगल मिलेगा आपको ये वाला, ओके नेक्स्ट है ए डी बी, ए डी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके सामने एक प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी गिवन है, एंगल ए ई पी इक्वल एंगल ए डी बी जो कि 90 है, समझे कुछ नहीं, ए ई पी 90, ए डी बी वो भी 90, और दोनों पर दोनों एंगल इसी ट्राइंगल का है जो हम बात कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल की ए ई पी और ए डी बी, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों दोनों आपके 90 हो गए। चलिए जब ये दोनों एंगल 90 हो गए तो एक एंगल का आपको मिल गया, अभी एक एंगल और चाहिए, यहां पर एक साइड से रेशियो चाहिए इस ट्राइंगल में, यानी ए डी बी और ए डी बी या ए पी में, ध्यान से देखिए, एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इक्वल एंगल ए इज कॉमन। नाउ वी कैन सी दैट बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। ओके, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।